हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डिलाइट एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 के अंदर नंबर सिस्टम का कंसेप्ट, नंबर लाइन और नंबर से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज़। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये है वीडियो नंबर 44। इससे पहले कई सारे वीडियोस एलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, एक्सपोनेंट, नंबर लाइन से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस हमारी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप हमारा प्लेलिस्ट और वीडियोस चेक कीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। अभी हम बात करेंगे इसके पहले वाले वीडियो के अंदर, 43 नंबर के वीडियो के अंदर हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था, नंबर लाइन के बारे में बात किया था, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात किया था, नेचुरल, होल, इंटीजर के बारे में बात किया था। इस बार इस वीडियो के अंदर हम इस नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि आप नंबर का ऑर्डर चेंज कर दो तो क्या उसके आंसर में कुछ चेंजेस आते हैं, वो आपको चेंज करना है, वो आपको चेक करना है। आप चाहो तो नेचुरल नंबर ले सकते हो, होल नंबर ले सकते हो, इंटीजर ले सकते हो, रेशनल नंबर भी ले सकते हो या फ्रैक्शन भी ले सकते हो। हम हर एक प्रॉपर्टी के अंदर एक दो एग्जांपल लेकर जनरल एक रूल एक बना देंगे और समझ लेंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ, प्रॉपर्टी समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट है मगर एक बार वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से सारी प्रॉपर्टी याद भी हो जाएगी, एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, स्टेटमेंट भी याद हो जाएंगे और आप सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर भी सकोगे। तो मैं यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक कर रहा हूँ एडिशन के लिए। सपोज मेरे पास एक नंबर है 2 + 3 = 3 + 2। यहाँ पे LHS के अंदर 2 + 3 है और RHS के अंदर 3 + 2 है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया है, देखो M *N। अब स्टार का मतलब होता है आप चाहो प्लस लो, माइनस लो, मल्टीप्लाई लो, डिवाइड लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टार का मतलब जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन। आप स्टार की जगह पे कुछ भी ले सकते हो मगर जो स्टार आपने यहाँ पे लिया है वही स्टार आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्लस ले रहे हो और यहाँ पे आप माइनस लोगे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपने प्लस लिया है तो यहाँ पे आपको प्लस ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर में कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। 3 + 2 करने पर भी 5 आएगा और 2 + 3 करने पर भी 5 आएगा। तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड होती है। अभी हम माइनस के लिए चेक करेंगे, 2 - 3 और 3 - 2। यहाँ पे देखो 2 - 3 करने पर क्या होता है कि आंसर -1 आता है और 3 - 2 करने पर आंसर 1 आता है। यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो माइनस में होल्ड नहीं होगी। चलिए अभी हम थर्ड पे ट्राई करते हैं, मल्टीप्लाई पे ट्राई करते हैं, 2 × 3 = 3 × 2। यहाँ पे 2 × 3 = 6 होता है और 3 × 2 = 6 होता है। यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हैं, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के अंदर होल्ड होती है। यहाँ पे डिवाइड में हम चेक करते हैं, 2 / 3 और 3 / 2। अब हम चेक करेंगे, पहले 2 / 3 करके देखते हैं, 2 / 3 और 3 / 2। डिवीजन के आगे जो होता है वो डिवीजन के अंदर जाता है, याद रखना है आपको। यहाँ डिवीजन के पहले 2 है तो 2 अंदर गया, यहाँ पे डिवीजन के पहले 3 है तो 3 अंदर गया। अब डिवीजन नहीं होगा, पॉइंट लगा के 0 करेंगे, 3 6 = 18। आगे कुछ नंबर आएगा और 2 1 = 2 करेंगे, 1 रिमाइंडर बचता है, तो कुछ ना कुछ आगे नंबर जाएगा। तो यहाँ पे हमें 0.6 आंसर मिल रहा है और यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आंसर मिल रहा है, मतलब
यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न के अंदर होल्ड नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। वैसे मैंने तो ये सारे नंबर नेचुरल नंबर लिए थे, आप चाहो तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आप होल नंबर के लिए ट्राई कीजिए, रेशनल नंबर के लिए ट्राई कीजिए, फ्रैक्शन के लिए ट्राई कीजिए। आपको जनरली देखने को मिलेगा कि जो एडिशन और मल्टीप्लाई के अंदर तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको हर एक के अंदर होल्ड हो ही जाएगी, मगर आप माइनस में और डिवाइड के अंदर कहीं कहीं पे आपको बहुत रेयर चांस के अंदर आपको यस आंसर मिलेगा, अदरवाइज सब में ये प्रॉपर्टी माइनस में और डिवाइड में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप प्रॉपर्टी को, अगर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट आपको पता है तो फिर आप पर्टिकुलर नंबर लेकर आप आंसर लाकर चेक कर सकते हो कि प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं एक इंटीजर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इंटीजर में माइनस का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं पहले इंटीजर नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया -2 एंड -3 ले लिया, तब मैं इनको चेक करवा रहा हूँ प्लस के लिए, एडिशन के लिए चेक करवा रहा हूँ कि इंटीजर में एडिशन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ये मुझे चेक करना है। इंटीजर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड होगी, ये मुझे चेक करना है। तो चेक करते हैं, पहले मैंने -2 और -3 को लिख दिया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो आपको ऑर्डर चेंज कर देना है, -3 और -2। अब क्या करना है आपको कि बीच में एडिशन की साइन रखनी है आपको, क्योंकि आप ऐड करवा रहे हो। अब हम क्या करेंगे, -2 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -5, और यहाँ पे -3 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू -5। यहाँ पे देखो -5 आ रहा है, यहाँ पे भी -5 आ रहा है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे इंटेजर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ले सकते हो, फ्रैक्शन लो, रेशनल नंबर ले सकते हो, जनरली एडिशन और मल्टीप्लाई के अंदर सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो ही जाती है। आपको डाउट सिर्फ कहाँ पे आएगा, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर आप 100% नहीं बोल सकते, आपको क्वेश्चंस या सम करके देखना पड़ेगा। LHS और RHS इक्वल आते हैं तो आप यस बोल दीजिए, LHS और RHS इक्वल नहीं आते हैं तो आप नो बोल दीजिए। अभी हम नई प्रॉपर्टी की ओर चलेंगे, ये प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप m प्लस m या m स्टार m करवाते हो तो आपको आंसर m ही मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी नेचुरल नंबर का एडिशन नेचुरल से कराता हूँ तो मुझे आंसर नेचुरल नंबर में ही मिलना चाहिए। होल नंबर का अगर मैं एडिशन करवाता हूँ होल नंबर के साथ तो मुझे होल नंबर ही मिलना चाहिए। इंटेजर का मैं एडिशन करवा रहता हूँ इंटेजर के साथ तो मुझे इंटेजर ही मिलना चाहिए। तो अगर ये ऐसा होता है तो ही क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ कि मैं दो नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे दो नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, 2 एंड 7। ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, 2 प्लस 7, तो आंसर क्या मिल रहा है मुझे, 9। तो ये नेचुरल है, ये नेचुरल है और ये भी नेचुरल है, तो एडिशन में नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है या होल्ड हो जाती है। अब मैं इंटीजर के लिए ट्राई कर रहा हूँ, -2 और -9 ले रहा हूँ। अगर मैं इनका एडिशन करवा रहा हूँ, -2 -9 और इनका एडिशन, तो चेक करते हैं क्या आंसर आएगा, -2 प्लस -9 इज इक्वल टू -11।
तो इस तरीके से यहाँ पे -9 इज इक्वल टू -11। तो -2 इंटीजर था, -9 भी इंटीजर था, तो -11 भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो ये माइनस के लिए प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, माइनस एडिशन के लिए, इंटीजर में एडिशन के लिए प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। वैसे अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, वही के वही नंबर ले रहा हूँ -9, और इनको मैं माइनस के लिए चेक कर रहा हूँ, सब्स्ट्रैक्शन के लिए चेक कर रहा हूँ, -2 -9। तो -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये 7 आएगा आंसर, और 9 बड़ा है इसलिए ये प्लस में आया। वैसे तो आप +7 को इंटीजर बोल सकते हो और नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। तो इसीलिए अगर हम कह सकते हैं कि देखो ये इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, मगर ये माइनस था दोनों के बीच में, तो माइनस के लिए कोई प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो भी सकती है, ना भी हो सकती हो, मगर मैं 100% बोल सकता हूँ कि एडिशन और मल्टीप्लाई के अंदर तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो ही जाती है। तो प्रॉपर्टी का आपको सिर्फ स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि उसका स्टेटमेंट क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या था कि अगर आप नेचुरल नंबर का किसी नेचुरल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हो तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। अगर ये यस होता है तो प्रॉपर्टी होल्ड होती है, नहीं होता है तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपको ग्रुप बनाना है, चाहे बीच में आप स्टार की जगह पे प्लस लो, माइनस लो, मल्टीप्लाई लो और डिवाइड लो। तो मैं सिंपल एक नंबर ले सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ए इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ और सी इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ। अब मैं एडिशन के लिए चेक करूंगा और फिर माइनस के लिए चेक करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से, 2 प्लस 3 प्लस 4, और यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4। स्टेटमेंट में पहले बी और सी को ग्रुप बनाया हुआ है तो मैं बी और सी को ग्रुप बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने ए और बी को ग्रुप बनाया हुआ है तो ए और बी को ग्रुप बना लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ग्रुप के हिसाब से 2 प्लस 3 प्लस 4 7, और यहाँ पे 2 प्लस 3 5 प्लस 4। 2 प्लस 7 9 होता है और इधर भी 5 प्लस 4 9 होता है। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो यहाँ पे एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। अब हम ट्राई करेंगे माइनस के लिए कि माइनस के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं होती है। तो हम वही लिख लेते हैं, पहले ए हमारा 2 था, बी 3 था और सी 4 था। 2 3 4 इज इक्वल टू की साइन थी। अब मैं सबकी जगह पे माइनस ले रहा हूँ, पहले इन दोनों का ग्रुप था और फिर इन दोनों का ग्रुप था। अब माइनस में चेक करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 3 में से 4 गया तो -1 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 3 गया तो -1 बचेगा, -4। माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1 -1 -4, माइनस माइनस प्लस 5 4 बड़ा है इसलिए साइन माइनस की लगेगी। तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है और यहाँ पे -5 आ रहा है, तो यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं है, तो माइनस के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स इंटीजर्स के लिए, नेचुरल नंबर के लिए और होल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, माइनस में और डिवाइड में जनरली 90% या 95% प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती है। फिर भी आपको एक बार सारे क्वेश्चंस में एक बार अपने स्टेटमेंट के हिसाब से नंबर रखकर चेक कर लेना है, एलएचएस आरएचएस इक्वल आता है तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है,
तो जैसे आपके पास कोई नंबर होता है और आपको पूछा जाता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर कभी कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी बोला जाता है, तो को क्या करना है, ये प्रॉपर्टी के अंदर आपको प्लस माइनस की साइन को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नंबर को घुमा देना है, नंबर को उल्टा कर देना है। जैसे अगर आपके पास एक्स बाय वाई है तो वाई बाय एक्स कर देना है, या फिर माइनस एक्स बाय वाई है तो माइनस की साइन को कुछ भी नहीं करना है, ये साइन को एज इट इज मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे एक्स बाय वाई था तो यहाँ पे मैंने वाई बाय एक्स कर दिया। अगर आपके पास सिर्फ नंबर दिया हुआ है, सिर्फ इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो आप उसको वन बाय करके लिख दोगे, और अगर वन बाय करके दिया हुआ है तो आप उसको जनरल एक नंबर करके लिख दोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, 2 बाय 3 है तो 3 बाय 2 हो जाएगा, आप चाहो तो इसको मिक्स मैचिंग कर सकते हो। फिर माइनस की साइन है एज इट इज, 2 बाय 7 था तो ये 7 बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस कट हो गया, 2 बाय 9 था तो 9 बाय 2 हो गया, आप चाहो तो मिक्स में ले जा सकते हो। 5 है, 5 का फॉर्मेट था, देखो एक्स को कैसे लिखते थे, 1 बाय एक्स, तो 5 को 1 बाय 5 करके लिखेंगे। फिर 1 बाय 3 था तो देखो 1 बाय 3 को कैसे लिखा था, एक्स का लिखा था तो हम इसको 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 7 नंबर देखो, 1 बाय माइनस 7 है, माइनस की साइन को हाथ नहीं लगाना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, तो ये जनरली -7 हो जाएगा। फिर -8 है तो 1 बाय -8 हो जाएगा। वैसे आपके साइन को कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नंबर को घुमा देना है, और 0 का नो रेसिप्रोकल या नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपको पहली वाली क्लास 8 की NCERT चैप्टर 1 के अंदर, एक्सरसाइज 1 के अंदर आपको काफ़ी सारी ब्लैंक्स दी हुई है लास्ट वाले क्वेश्चन में, उसमें भी ये पूछा हुआ है कि 0 हैज़ अ नो रेसिप्रोकल, तो उस ब्लैंक्स को भी आप एक बार कंसिडर कर लेना। अभी हम आगे बात करेंगे, अभी हम जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, आपको यहाँ पे नंबर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स बाय वाई दिया हो तो माइनस एक्स बाय वाई कर देना है, और माइनस एक्स बाय वाई है तो प्लस एक्स बाय वाई कर देना है, अगर एम होता है तो माइनस एम, और माइनस एम होता है तो एम। चलिए शुरू करते हैं, 5 बाय 2 है तो -5 बाय 2 कर देना है, -5 बाय 9 है तो +5 बाय 9 कर देना है, 1 है तो -1 कर देना है, -10 है तो +10 कर देना है, और 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको 1 मार्क्स में और MCQ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें क्या करना है कि आपको नंबर को ब्रैकेट के अंदर लेके जाना होता है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a*b+c इज इक्वल टू a*b+a*c, यहाँ पे प्लस होगा तो हम ऐसा बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और यहाँ पे माइनस होगा तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। तो देखो मैंने ये जो रिलेशन थी यहाँ पे स्टार की जगह पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मैंने मल्टीप्लाई एज्यूम किया है, तो देखो ये नंबर को मैं ब्रैकेट के अंदर लेके गया, तो यहाँ पे ए और बी, ए बी और ए और सी, ए सी बीच में एडिशन था, इसलिए यहाँ पे एडिशन आया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे a*b-a*c। चलिए हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, b इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, और c इज इक्वल टू 4 ले रहा हूँ। फॉर्मेट के हिसाब से a 3 और 4, इनका ब्रैकेट है, बीच में एडिशन है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो क्या ये 2 इसके पास जाएगा, तो 2 मैं इस फॉर्मेट के हिसाब से इसको लिख रहा हूँ, 2 इंटू 3, यहाँ पे एडिशन था, एडिशन 2 इंटू 4। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, LHS RHS हमें इक्वल मिल रहा है कि नहीं हमें चेक करना है, तो 2 3+4 7
इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 6 प्लस 18, 6 प्लस 8 14। इस तरीके से आपको LHS और RHS इक्वल मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होल्ड करती है। मगर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस है, आप माइनस में और डिवीजन में एक बार प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिए, नंबर के हिसाब से आपको लिख लेना है और फिर चेक कर लेना है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। आपको जस्ट एक स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट याद हो जाएगा तो आप किसी भी नंबर के लिए, किसी भी कैटेगरी के नंबर के लिए आप चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको जो भी पढ़ाया वो समझ में आया है। हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ अस, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें हमारे वीडियोज़ को फॉलो करने के लिए थैंक यू सो मच अगेन।